काम चाहे ऑफिस का हो या फिर घर का, हर दिन वही रूटीन फॉलो करते करते लाइफ हो जाती है बोर और बड़ी सैड सी फीलिंग आना शुरू हो जाती है, और हमें वो फीलिंग ना आए इसीलिए आज हम करेंगे कुछ हटके। तो यूजुअली मैं टैक्सी लेती हूँ, बट आज क्योंकि मेरे को वो सब चीज़ें नहीं करनी है जो कि मैं रोज करती हूँ, तो इसीलिए मैंने की है बाइक। तो हम आ गए हैं मेन रोड की तरफ और एज यूजुअल बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, इसीलिए मैंने बाइक बुक करी सो दैट हम गाड़ियों के बीच में से निकल सकें। आज मैं आई हूँ हेयर कटिंग कराने, क्योंकि जैसे आप देख सकते हैं मेरे बाल एकदम झाड़ू हो चुके हैं। स्वादिका, हेलो। सो हम हैं रेनेस हेयर स्टूडियो में, तो चलो इनसे बात करते हैं और देखते हैं कि हाँ मैं कौन सा हेयर स्टाइल कराऊँ। बहुत कुछ इनसे डिस्कस करने के बाद फाइनली हम एक हेयर स्टाइल पर आए हैं। आई डोंट नो वो कैसा लगेगा मुझ पर, बट आई एम रेडी टू टेक रिस्क। देखते हैं कि वो कैसा लगता है। वैसे मैं हेड वॉश करके आई थी, बट इनका कहना है कि इनका अपना एक प्रोसेस होता है और उसकी वजह से मुझे शैम्पू फिर से करना पड़ेगा। तो लेट्स डू दैट। कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अजीब लग रहा है इतने छोटे वालों में, बट इट्स अ फ्रेश स्टार्ट। आई लुक ब्राइटर, आई थिंक इट्स लुकिंग गुड। तो बैंकॉक में मेरी फ्रेंड है पावनी, जो कि है पिछले 7 सालों से, और जब मैंने उसको बताया कि मैं एक डे आउट लेने वाली हूँ और मेरा प्लान ये है, तो वो बहुत एक्साइटेड हो गई और उसने कहा कि वो भी मेरे साथ आएगी। तो अब हम नेक्स्ट जगह पे जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ पे वो भी हमारे साथ होगी। तो बस थोड़ी ही देर में मैं आपको मिलाने वाली हूँ अपनी फ्रेंड पवनी से। ये आ रही है पवनी जी। हेलो पवनी। तो ये है हमारी दूसरी जगह जहाँ पे हम आए हैं मसाज कराने के लिए। हेल्थ लाइन फेमस है अपने ट्रेडिशनल थाई मसाज और आयुर्वेदिक स्पा और ट्रीटमेंट्स के लिए। इसके साथ ही इनका खुद का स्किन केयर ब्रांड है जिसका नाम है 9 हर्ब्स, जो कि बनता है इनके लोकल हर्ब्स यानी कि यहाँ की जड़ी बूटियों से। इसी ब्रांड के बहुत सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स जैसे कि एसेंशियल ऑयल्स, बॉडी क्रीम, बॉडी स्क्रब और तो और हर्बल बॉल, ये सब भी अवेलेबल है। कौन सा मसाज कराना है आपको? टुडे आई एम गोइंग फॉर फुट मसाज। फुट मसाज? यस। एंड व्हाट अबाउट यू? हे, व्हाट आर यू थिंकिंग? हैवंट यू फाइनलाइज येट? यस, आई हैव फाइनलाइज। तो मैं करवाने वाली हूँ अभय का मसाज, और मुझे जानना है कि इस मसाज में एक्चुअली ये क्या करते हैं। तो जल्द से जल्द इनके पास और उनको पूछते हैं। इनसे बात करने के बाद मुझे पता चला कि जो ऑयल है वो इंडिया से इंपोर्ट होता है, और उसके बाद उस ऑयल में ये अपने हर्ब्स मिक्स करके फिर वो एसेंशियल ऑयल बनाते हैं और फिर यहाँ के ट्रीटमेंट्स में वो ऑयल यूज़ करते हैं। ओहो हो, भाई बंदी ने सूट पहना है, वो भी पंजाबी सूट, ये तो एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने। तो अब हम जा रहे हैं मसाज कराने के लिए और आपको मिलते हैं ब्रेक के बाद। पवनी आ चुकी है वापस अपनी फुट मसाज करवा के, और पवनी बताएगी अपना एक्सपीरियंस कि कैसा रहा। इट वाज अमेजिंग। ओके, वेरी रिलैक्सिंग। दिस इज अ बेस्ट स्ट्रेस बस्टर। नाउ योर टर्न, टेल मी हाउ वाज योर मसाज। मैं बता नहीं सकती हूँ कि कितनी अमेजिंग थी। मतलब वो लाइन है ना कि नो पेन नो गेन, वो आज मुझे उसकी इंटेंसिटी फील हुई है, क्योंकि मतलब इतनी ज़्यादा उसने मेरी हड्डियाँ तोड़ी ना, इतनी ज़्यादा। मैंने उसको बोला कि यार प्लीज़ यार बस कर दे, बट वो हटी नहीं बंदी। वो बोलती थी ओके आई गिव लेस प्रेशर। तो एक्चुअली मेरी थी अभ्यंगा मसाज, और उसमें वो
हॉट ऑयल यूज करते हैं और उन्होंने वो कैंडल जलाई और फिर कैंडल के ऊपर एक जार रखा और फिर जार के अंदर उन्होंने वो ऑयल डाला और फिर उसको आराम से गर्म होने दिया और गर्म होने के बाद फिर उन्होंने पूरी बॉडी पे और हेड मसाज की उसी ऑयल से और उसके बाद पूरी बॉडी पे मसाज किया, तो बता नहीं सकती हूँ मैं कि कितना रिलैक्सिंग था, कितना रिलैक्सिंग था। अब हम जा रहे हैं अपनी तीसरी पार्टनर से मिलने के लिए, राइट? यस। ओह माय गॉड, लेट्स गो। तो फाइनली आ गए हम उस जगह पे जहाँ पे हम मिलेंगे अपनी तीसरी पार्टनर से, एंड शी इज आवर थर्ड पार्टनर। हाय दीक्षा। तो हमने दीक्षु को स्कूल से पिक किया और उसके प्यारे प्यारे क्यूटू क्यूटू दोस्तों से मिलने के बाद हम आ गए कॉफी क्लब जहाँ पे हमने मस्त होके की पेट पूजा। नेल पॉलिश, यस। तो हम जा रहे हैं अभी नेल आर्ट करवाने के लिए। आर यू एक्साइटेड? यस। हाउ मच? तो जैसे ही हम बाहर आए हमने देखा ओह ये तो बारिश शुरू हो गई है, फिर हमें लगा कोई ना टैक्सी तो मिल ही जाएगी, पर ना ही हमें कोई ऑनलाइन टैक्सी मिल रही थी और ना ही कोई जाने के लिए रेडी हो रहा था, पर हम भी ना बड़ी ढीठ कैटेगरी में आते हैं, हमने पैदल चलना शुरू कर दिया और जिसमें दीक्षु ने हमारा पूरा साथ दिया। एक किलोमीटर बारिश में चलने के बाद, जी हाँ 1 किलोमीटर बारिश में चले हम, वो भी इस छोटी बच्ची के साथ, और उसके बाद फाइनली हमें मिलती है टैक्सी। तो हमें टैक्सी तब मिलती है जब हमारा डिस्टेंस सिर्फ 300 मीटर रह जाता है, बट फिर भी हम टैक्सी ले लेते हैं, बिकॉज इससे ज्यादा हम तो भीग सकते हैं बट इस बेचारी बच्ची को नहीं भिगा सकते हैं। ये है वो जगह जहाँ पे हमें भी जाना है। पवनी और दीक्षु ने नेल आर्ट काफी बार करवाया है पर मेरे लिए ये एक्सपीरियंस एकदम नया है। मुझे सीरियसली नहीं पता था कि इतने सारे कलर्स होते हैं और इतने सारे डिजाइन्स होते हैं। मैंने तो मतलब मुझे यूजुअली नेल पेंट्स इतने ज्यादा पसंद नहीं है और मैं बहुत रेयरली लगाती हूँ, पर यहाँ पे आके मुझे पता चला कि लोग कितने क्रेजी हैं नेल पेंट्स और डिजाइन्स के लिए। आई मीन इनके पास पूरी बास्केट है जिसमें आप कलर शेड चूज कर सकते हैं और ये एक्सपीरियंस भी मेरा पहली बार है, दिस वन। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिसका नाम है श्रुति फुटप्रिंट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, सी यू नेक्स्ट वीक।